दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि। तो मैंने जब रेसल मैंने जब मैं देख रहा था तो मैंने पोल में काफी लोगों से आपसे पूछा था कि आपके कौन से फेवरेट मैच है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और आपने अपने फेवरेट मैच के बारे में बताया। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बताता कि मेरे कौन से फेवरेट मैच थे और प्लस मुझे रेसलमेनिया 36 देखकर कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए कल मैंने इसका पार्ट वन का रिव्यू किया था जहां पर मुझे अंडरटेकर वर्सेस एजी स्टाइल का मैच बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस का मैच भी बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा एक लेदर मैच भी बहुत अच्छा लगा था जिसमें हमें उसोव, कोफी किंगस्टन और जॉन मॉरिसन नजर आए थे। लेकिन पार्ट टू की बात हो तो पार्ट टू में और भी ज्यादा बड़े बड़े मैचेस लोगों ने रखे थे, जो देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस बार WWE ने कुछ यूनिक और कुछ अलग हटके जरूर ट्राई किया। यानी कि जैसे कि आपने पता कि अंडरटेकर वर्सेस एजी स्टाइल का बोनयार्ड मैच था जो बहुत ही अलग तरीके से हुआ इस बार, और मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया में आज तक इस तरीके का मैच तो हुआ ही नहीं था। रेसलमेनिया छोड़ो, पूरे WWE में इस तरीके का मैच नहीं होता। और बिल्कुल सेम उसी तरीके की टेक्निक लोग ने जॉन सीना वर्सेस द फिंड यानी ब्रे वाइट उसके साथ भी वही किए। और मैं आपको बताऊं यहां पर मैं आपको कुछ भी बोलूंगा ना, वो मैच का जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा। काफी लोगों ने जॉन सीना वर्सेस द फिंड का मैच ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उनको मैं यही पूछूंगा कि आप लोगों को ये WWE की तरफ से जो यूनिक लोगों ने ट्राई की वो आपको कैसा लगा। हाँ, थोड़े लोगों को कंफ्यूज हुआ क्योंकि स्टार्ट में मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग मैच है कि क्या है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे मैच आगे बढ़ता गया मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, मुझे कुछ हटके यूनिक जरूर लगा WWE की तरफ से। मैं बोलूंगा ये बहुत ही अच्छी पहल है। उसके अलावा और भी मैचेस थे जैसे कि एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। ये मैच मैं इतना ही बोलूंगा कि WWE परफॉर्मेंस सेंटर में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर रैंडी ऑर्टन और एज हमें फाइट करते नजर नहीं आए, हर एक जगह पे। और यो इस फाइट का जो रिजल्ट था वो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था वही रिजल्ट होगा और वही हुआ। लेकिन फिर भी ये जो मैच है देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा कोरियोग्राफ था। कुल मिला के ये मैच बहुत ही शानदार लगेगी आपको। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, वो था गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो कि आपको पहले पार्ट वन में देखने को मिला था जो कि एक एवरेज मैच था। लेकिन आज पार्ट टू में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रॉ मैकइंटायर का मैच एवरेज नहीं था, बहुत ही शानदार हुआ। और जो विनर है वो वाकई में डिजर्व भी करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि WWE को आज ऐसे लोगों को पुश करना भी चाहिए क्योंकि वो आगे चल के फ्यूचर और WWE बन सकते हैं। अब आप लोग समझ चुके हैं कि विनर कौन है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप रेसलमेनिया 36 जरूर दो क्योंकि अगर आप लोग फैन हो, मैं तो देखिए 90s के टाइम में जब WWE देखता था तो WWF था, उसके बाद WWE हो गया। और हमारे टाइम पे फेवरेट है रॉक, स्टोन कोल्ड, ये सब हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा फेवरेट है। हम लोग इनको बहुत देखते, डीवॉन डेडली हो, जेफ हार्डी, मैट हार्डी, एज, क्रिश्चियन, तो हम लोग उस टाइम पे देखते। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी काफी नए स्टार्स आ गए, काफी नए सुपरस्टार आ गए। लेकिन फिर भी WWE का जो क्रेज है, जो होता है ना एक एक्साइटमेंट, वो आज भी खत्म नहीं। तो आज भी मैं WWE देखता था, स्मैकडाउन हो या रॉ हो, जब भी मुझे टाइम मिलता मैं जरूर देखता हूं। और इस तरह की जो प्रे पर व्यू है यानी कि जो मेन इवेंट है वो तो मैं कभी भी मिस नहीं करता। मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 36 को मैं थम्स अप दूंगा, मतलब आप लोग ये शो को देखो, आप एंजॉय करोगे। पार्ट वन की बात हो तो करीब 3 घंटे का था और पार्ट टू की बात हो तो करीब 3 घंटे 24 मिनट का था। और लेंथ की बात हो तो करीब 6.5 घंटे का ये पूरा WWE का शो है। लेकिन अगर आप कुछ मेन मैच देखना चाहते हो तो आप भगा भगा के भी देख लेना। तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त। आपको रेसलमेनिया 36 पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको कौन सा मैच ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा ऐसा WWE सुपरस्टार है जो जीता तो आपको लगा कि हाँ भाई WWE को उसको पुश जरूर करना चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस इस वीडियो में इतना है, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट। हम लोग मिलेंगे कल किसी नए वीडियो में।